यू सो मच सर, आपने बहुत हेल्प करी मेरी. मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ ना, तो आइडिया नहीं था कि सुम से हेलो इन मिजो लैंग्वेज. जी बे, कैन यू स्पेल इट फॉर मी? CHIBAI. फाइनली नागालैंड को बाय बोलने का टाइम आ गया था, और अपनी नॉर्थ ईस्ट थ्रू माई आइज की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए मैं जा रहा हूँ आइजॉल मिजोरम. काफ़ी मिक्स फीलिंग्स थी. एक तरफ आई वॉज फीलिंग सैड टू लीव नागालैंड, एंड दूसरी तरफ आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड फॉर मिजोरम. बट दिस इज़ वॉट लाइफ इज़, यू हैव टू कीप फ्लोइंग. सो मैं पहुँच जाता हूँ दीमापुर स्टेशन, जहाँ से फर्स्ट आई हैव टू कैच माई ट्रेन टू सिलचर असम, जो कि एकदम साउथ ऑफ असम में. आई डोंट नो ड्यू टू सम रीज़न दिस इज़ द थर्ड टाइम ऑन दिस ट्रिप जो मुझे साइड अपर बर्थ अलॉट हुई. दो प्रेफरेंस में मैं हमेशा लॉन्ग बर्थ ही अप्लाई करता हूँ. एनीवेज, थोड़े से स्नैक्स खा के मैं सो जाता हूँ, और सुबह जब आँख खुली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि परवीन तूने ILP डैट इज़ इनर लाइन परमिट, जो कि रिक्वायर्ड है टू एंटर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो अप्लाई किया ही नहीं. बट फॉर्चुनेटली मेरे को पैसेंजर जो असम राइफल्स के ऑफिसर ही थे और मिजोरम ही जा रहे थे, उन्होंने बताया यू शुड गो टू मिजोरम हाउस, जहाँ से आपका ILP बन जाएगा. ही वन टोल्ड मी डैट मैं उनके साथ ही चल सकता हूँ टिल मिजोरम हाउस. मिजोरम हाउस पहुंच तो गया था, बट सुबह के 7 बज रहे थे और गवर्नमेंट ऑफिसेस 9-10 बजे से पहले ओपन नहीं होते. बट वहां जो ड्यूटी पे सर थे वो बहुत अच्छे थे. थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी सुमो में सीट बुक करवा देता हूं, एंड रास्ते में वेरिंग गेट, जो कि असम और मिजोरम का बॉर्डर टाउन है, वहाँ से ILP भी बन जाएगा. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत हेल्प करी मेरी. मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ ना, तो आइडिया नहीं था कि सुमो कहाँ से लेनी है, बट आपने अरेंज करा के दे दिया. थैंक यू सो मच सर. आप यही जॉब करते हो ना? हाँ, हम 225 बटालियन का हूँ. ये एक हमारा बटालियन का आउटपोस्ट है. हाँ जी. जो कि मिजोरम का एक्चुअल, हम ये मिजोरम का सिक्योरिटी के लिए हम लोगों का ये जो है तैनात किया है. हाँ जी. बाकी कोई आवागमन वाला ही हमारे को आके पूछता है आइजोल जाने के लिए रास्ता कैसा है, टिकट कहाँ से, कौन सा, बहुत अनजान आदमी आ ही जाता है नेपाल से, जैसे आप ही आया था. हाँ जी, हाँ जी. तो ऐसा बहुत आते जाते रहता है इधर, ये लोग हमारे को पूछता है. हाँ जी. तो हम इतना तो कि हेल्प कर लेता हूँ कि रास्ता रुस्ता के लिए. हाँ जी. बाद बाकी कोई ILP के लिए पूछता है इधर के लिए. हाँ जी. कैसा क्या है क्या नहीं. हाँ जी सर, वो आपने जल्दी बता दिया मुझे प्रोसेस ना, नहीं तो यहाँ पे वेट करता तो 9-10 बजे ऑफिस ओपन होना था, बट आपने बता दिया गेट्स पे भी मिल जाएगा. हाँ हाँ, वो ऐसा ही इधर भी तो 9:30 बजे खुल जाता है अपना ऑफिस, और नहीं आपका उधर बायरोटी गेट है बना लेता है अपना ILP. हाँ जी. अच्छा लगा सर आपसे मिलकर. थैंक यू सो मच. हाँ जी, बाय सर. अराउंड 8:30 हम सिलचर से मिजोरम के लिए निकलते हैं. आई वॉज फीलिंग वेरी एक्साइटेड. अराउंड 1 आवर के बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह रुकते हैं. उस जगह का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था. उस जगह का नाम था मणिपुरी मार्केट इस्लामाबाद विलेज. मुझे लगा मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ. बस फिर ब्रेकफास्ट करके हार्डली 20-25 मिनट्स में हम वेरिंग गेट पहुँचते हैं, जहाँ से आई गॉट माई ILP. बट मिजोरम में मुझे मैक्सिमम 7 डेज़ का ILP मिला, जिसे दोबारा एक्सटेंड करवा सकते हैं, वेयर एज नागालैंड में मैक्सिमम 30 डेज़ का ILP मिलता है. मिजोरम तो एंटर कर गए थे, बट आइजॉल अभी भी बहुत दूर था. ड्राइवर अंकल बहुत कूल थे, बहुत ही आराम आराम से ड्राइव कर रहे थे, और हम अराउंड 5-6 बार रुके होंगे रास्ते में, मस्त खा पी के इंजॉय करके जा रहे थे. अराउंड 5:30 हम आइजॉल पहुंच गए थे. मुझे लगा था मिजोरम नागालैंड से ज़्यादा ठंडा होगा, बट इट वॉज नॉट डैट कोल्ड. मैंने कोई प्रायर होटल बुकिंग नहीं की थी, तो मैंने अपने बजट के हिसाब से अराउंड 8-10 होटल देखे, बट वो सारे ऑक्यूपाइड थे. इवेंचुअली एक डॉर्मेट्री में टेम्परेरी स्टे बुक किया, फिर डिनर करने निकल गया था. हाय, दिस इज चिकन टिक्का ना? चिकन कबाब. ओके, एंड दिस आर, व्हाट डू यू सजेस्ट? दिस वन. ओके, आई विल हैव दिस वन. टुडे इज माय फर्स्ट डे, आई जस्ट रीच्ड हियर आइजॉल. वहाँ जो मैम थे उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने मुझसे पूछा वेयर आर यू स्टेइंग, तो मैंने बताया. देन शी सेड हमारे पास भी रूम्स अवेलेबल हैं, यू कैन चेक इट आउट. मैंने बोला कोई बात नहीं, कल आके देख लूँगा. हाय
वेरी टेस्टी लैंग्वेज से हेलो इन मिजो लैंग्वेज कैन यू स्पेल इट फॉर मी C-H-I-B-A-I. ओके या फूड वॉज वेरी गुड थैंक यू फिर वहीं पे डिनर किया एंड फूड वॉज वेरी टेस्टी उसके बाद बस डॉर्मेट्री जाके सो गया था गुड मॉर्निंग फ्रॉम आइजॉल मिजोरम सुबह सुबह मुझे बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी फील हो रहा था आई वॉज जस्ट एक्साइटेड टू गो आउट एंड एक्सप्लोर आइजॉल बट पहले मुझे स्टे बुक करना था तो रात को जहाँ बात हुई थी मैं वहाँ जाके स्टे बुक कर लेता हूँ वहाँ डॉली मैम से भी मुलाकात होती है वो इज़ द ओनर ऑफ डेविड्स होटल फ्लावर शी इज़ अ वंडरफुल होस्ट एंड उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया शी वॉज कैमरा शाय तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बट फ्यूचर वीडियोज़ में ज़रूर यू विल गेट टू सी हर शी इवन ड्रू मैप फॉर मी टू चेक आउट सम प्लेसेस एंड सजेस्टेड मी टू विजिट मिजोरम स्टेट म्यूजियम देयर इज़ अ सीएम बंगला फिर आइजॉल घूमने निकल जाता हूँ वेयर इज अ मिजोरम स्टेट म्यूजियम Over there. Over, thank you. जब आप एक नई जगह नए कल्चर और नए लोगों के बीच जाते हो जहां आपको कोई नहीं जानता एंड यू आर जस्ट ऑल बाई योर सेल्फ वो जो एक फीलिंग होती है ना ऐसे रैंडमली घूमने में आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट एक फ्रेशनेस सी फील होती है बहुत मज़ा आता है मुझे तो एंड ये फीलिंग आपको किसी जगह पे सिर्फ फर्स्ट टाइम ही फील होगी दोबारा कभी वो सेम फीलिंग नहीं आएगी बिकॉज नेक्स्ट टाइम यू विल बिकम फेमिलियर विद दैट प्लेस तो पहला दिन था तो आई वॉज जस्ट फीलिंग द वाइब ऑफ आइजॉल एंड आई वॉज लविंग इट ऐसे ही घूमते घूमते शाम हो गई थी और मैं एक जगह पहुँच गया थोड़ी सुंदर और इंटरेस्टिंग लगी तो सोचा यहीं डिनर कर लेते हैं फिर वापस होटल आया तो वहाँ कैरियोके चल रहा था उसे एंजॉय किया एंड दैट्स हाउ आई स्पेंड माय फर्स्ट डे इन आइजॉल